विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 30 दिसंबर के 2017 के मध्य रियाद सऊदी अरब में किया गया। विश्व रैपिड चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक विश्वनाथन आनंद ने प्राप्त किया और विश्व ब्रिट्स प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के नंबर एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जनवरी 2018 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची जारी करी है, जिसमें विराट कोहली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया और T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर या T20 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए युजवेंद्र चाहल को चुना गया, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 25 रन देकर 6 विकेट प्राप्त किए थे। मिताली राज प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने 6000 रन पूरे किए हैं। मिताली राज ने भारतीय महिला खिलाड़ी के तौर पर सर्वाधिक 6 शतक अभी तक लगाए हैं। भारतीय तैराक रोहन मोरे ने कुक जलसंधि को तैरकर पार किया है। ऐसा करने वाले वह प्रथम एशियाई बन गए हैं। कुक जलसंधि या कुक स्ट्रेट उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य स्थित है। ये दोनों द्वीप न्यूजीलैंड राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित राष्ट्र है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 200वां विकेट प्राप्त कर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का बनने का गौरव प्राप्त किया है। वर्ष 2017-18 की प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में विदर्भ ने दिल्ली को हराकर पहली बार टूर्नामेंट को जीतने में सफलता प्राप्त करी। विदर्भ टीम के कप्तान फैज फजल थे। दृष्टिहीन एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के शहर शारजाह में 8 से लेकर 20 जनवरी 2018 के मध्य आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में पाकिस्तान के पूर्व
खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को राजदूत नियुक्त किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। वर्ष 2014 में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व कप में फाइनल मैच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। वर्ष 2017 में भारत ने T20 विश्व कप भी जीता था। इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे अजय कुमार रेड्डी।